हेलो दोस्तों सुपर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 FPS गेम जो कि आप लोग अपने फ़ोन पे खेलने वाले हो, यानी कि आप लोगों को एक शूटिंग का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस इन गेम में मिलने वाला है और ग्राफिक्स भी इन गेम के काफ़ी हाई क्वालिटी के होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ यही कहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों सीट बेल्ट कस लो क्योंकि शुरू करने वाले हैं हम आज का वीडियो। नंबर फर्स्ट पे दोस्तों निकल के आते हैं हमारे पास इन्फिनिटी ऑप। अब भाई आप लोगों को अगर एक बहुत ज़्यादा तगड़ी फील लेनी है FPS शूटिंग गेम की तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा तगड़े ग्राफिक्स के साथ। यहाँ पे आप लोगों को एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट तो देखने को मिल ही रहा है जिसमें आप लोगों को चलाने को मिलेंगे टैंक्स, यानी कि आप लोग इस गेम में बिल्कुल टैंक्स चलाओगे भाई, और फ्यूचरिस्टिक गेम आप लोगों को ऐसा लगेगा। और कुछ फ्यूचरिस्टिक वेपन भी है जो इस गेम में यूज़ किए गए हैं तो वो भी डेफिनेटली आप लोगों को चलाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस अमेजिंग मिलने वाला है इस गेम में। गेम का साइज यहाँ पे होने वाला है पूरा का पूरा 500 MB और गेम ऑनलाइन होगा। नंबर सेकंड में निकल जाता है दोस्तों हमारे पास गन्स ऑफ बूम। अब भाई ये एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का गेम है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 प्लेयर्स, यानी कि PvP मैच होगा, टीम डेथ मैच, जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 प्लेयर जो कि आपकी टीम के होंगे, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, यानी कि हर प्लेयर के पास डिफरेंट एबिलिटी होगी। कोई एक मेडिक होगा, कोई एक अच्छा शार्प शूटर होगा, कोई भाई साहब एक अच्छा डिफेंस करने वाला होगा और कोई एक अच्छा अटैक करने वाला होगा। तो भाई आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पे क्लासेस करेक्टर की देखने को मिल जाएंगी। गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो एनिमेटेड स्टाइल के हैं, लेकिन भाई जो एक्सपीरियंस मिलता है वो तो गजब का ही है भाई। आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये गेम। तो इसी के साथ अब निकल के आता है अपनी लिस्ट का नंबर 3 गेम जो कि है बैटल फोर्सेस। अब भाई इस गेम के ग्राफिक्स की तो मैं क्या ही बात करूँ भाई, धमाकेदार ग्राफिक्स इस गेम में यूज़ किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप की लोकेशन दिखाई जाएंगी और आप लोगों को जो गन दिखाई जाएंगी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को जो एनिमेशन स्टाइल भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को जो करेक्टर देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है यार। गेम का साइज यहाँ पे होने वाला है दोस्तों पूरा का पूरा 404 MB और गेम टोटली ऑनलाइन होगा। तो अब नंबर 4 पे निकल के आता है दोस्तों हमारे पास मॉडर्न गन। अब भाई ये भी होने वाला है FPS शूटिंग वाला गेम जिसमें आप लोगों को टीम डेथ मैच और PvP मोड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस गेम के ग्राफिक्स जो हैं वो भी भाई रियलिस्टिक लेवल के हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हो। इस गेम में आप लोगों को जो एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलेगा, यानी कि करेक्टर जब शूट करता है या किसी को गोली लगती है तो जो स्टाइल और जो एनिमेशन है वो भाई कमाल की है। इस गेम को आप लोग ट्राई करोगे और तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। गेम हाल ही में रिलीज़ हुआ है तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो और मज़े लो इस गेम के। तो नंबर 5 पे अब निकल के आता है दोस्तों हमारे पास फ्रैग प्रो शूटर। अब ये थोड़ा एक अलग टाइप का गेम होने वाला है दूसरी FPS गेम से। यहाँ पे आप लोगों को ऑटो शूटिंग वाला मोड देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों को ने सिर्फ अपने करेक्टर को मूव करना है और सिर्फ पॉइंट करना है एनिमी की तरफ और गोलियाँ खुद ही चलने लग जाएंगी। शायद आप लोगों में से कुछ लोग हों जिनको ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन भाई इसमें होने वाले कार्टून टाइप ग्राफिक्स जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसमें आप लोग अपने गन को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि फायर नहीं खुद कर सकते, पर आप लोग एक और चीज़ कंट्रोल कर सकते हो और वो है कैरेक्टर्स के बीच में चूज़ करना। आप लोग गेम के बीच में रहते हुए अपने कैरेक्टर के बीच में स्विच कर सकते हो जैसे GTA 5 में होता है। तो 4 कैरेक्टर्स हैं भाई, उनके बीच में आप लोग स्विच कर सकते हो और क्या चाहिए, इतने मज़े का कॉन्सेप्ट है गेम का। तो इसी के साथ अब निकल के आता है दोस्तों अपने लिस्ट का नंबर 6 गेम जो कि है ब्राइट मेमोरी। अब भाई ब्राइट मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तगड़ा गेम है जो कि रिलीज़ हुआ था और भाई एकदम इसने बूम कर दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। यहाँ पे आप लोगों को जो ग्राफिक्स देखने को मिलेगा वो तो हाई क्वालिटी के हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को कैंपेन मोड देखने को मिलेगा, यानी कि एक बहुत तगड़ी स्टोरी है जो कि इस गेम में चल रही है और ग्राफिक्स तो अमेजिंग है ही। तो आप लोग एक दफ़ा ट्राई करो तो आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आएगा ये गेम खेल के। गेम का साइज होगा पूरा का पूरा 800 MB और गेम टोटली ऑफलाइन है। तो अब दोस्तों निकल के आता है अपने लिस्ट का नंबर 7 गेम जो कि है मॉडर्न कॉम्बैट 5। अब भाई PUBG वगैरह रिलीज होने से पहले मॉडर्न कॉम्बैट 5 सबसे बड़ा गेम था जो कि FPS में माना जाता था। यहाँ पे आप लोगों को कैंपेन मोड देखने को मिलेगा, हाई क्वालिटी के कटसीन्स हैं, स्टोरी है जो कि काफ़ी धमाकेदार हैं और भाई मिशन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। तो ये भी गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लोग एक दफ़ा खेलोगे तो आप लोग को डेफिनेटली ये गेम पसंद आएगा। गेम का साइज़ कुछ 5 GB के राउंड अबाउट होने वाला है, तो जल्दी से करो इस गेम को डाउनलोड, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो देखते देखते निकल के आ गए अपने लिस्ट का नंबर 8 गेम जो कि हमारे पास डेड डिफेक्ट 2।
भाई अगर आप लोगों को हॉरर एक्सपीरियंस लेना है शूटिंग करने के साथ साथ और FPS का मज़ा भी लेना है तो ये गेम आप लोगों के लिए बेस्ट है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स तो भाई एनवीडिया की टेक्नोलॉजी वाले देखने को मिलेंगे, वो भी अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पे। इसी के साथ रैग्ड ऑल इफेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और भाई एनवायरनमेंट जो है वो तो भाई गजब का ही है। यहाँ पे आप लोगों को जो वॉइस पीछे देखने को मिलेगी कटसीन्स के, वो बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर्स की है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ ही गेम में जो आप लोगों को साउंड क्वालिटी है वो भी भाई बिल्कुल मूवीज़ वाली लगेगी। यहाँ पे RPG का एक तड़का है, तो आप लोगों को 3 पर्सनालिटी देखने को मिलेगी जिसमें आप लोग चूज़ कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा अपग्रेडेबल चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप लोग अपने वेपन्स के साथ कर सकते हो और अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो। इसी के साथ में आप लोग को 20 घंटे से भी ज़्यादा का कैंपेन मोड देखने को मिलेगा और 10 घंटे से भी ज़्यादा के स्पेशल मिशन हैं जो कि आप लोग करोगे। तो भाई एक गेम से और क्या चाहिए, इतना सब कुछ तो दे रही है ये गेम। और भाई गेम का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 2.5 GB के राउंड अबाउट ये गेम है, लेकिन है ऑफलाइन भाई, एक दफ़ा डाउनलोड करोगे और फिर मज़े ही करोगे गेम खेल के। तो दोस्तों हम निकल के आ गए अपने लिस्ट का नंबर 9 गेम, लेकिन उस पर जाने से पहले ये कहूँगा अगर अभी तक वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत थैंक यू, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार, इतनी मेहनत करके वीडियो बनती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। नीचे जो रेड बटन है उसको दबा के साथ का जो बेल का आइकन है उसको भी दबा देना और ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना, और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो भी लाइक कर देना भाई, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब अपने लिस्ट के नंबर 9th गेम पे, जो कि है AWP मोड। ये भाई एक FPS वाला गेम तो होने वाला है जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर देखने को मिलेगी। आप लोग ऐसा कह सकते हो ये एक स्नाइपर चैलेंज गेम है जिसमें आप लोगों को सिर्फ स्नाइपर चलाने को मिलेगी और कोई गन नहीं देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे आप लोग बैटल करोगे अपने दोस्तों के साथ और मल्टीप्लेयर खेलोगे क्योंकि ये गेम ऑनलाइन होने वाला है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी खेलो और अपने स्नाइपर स्किल चेक करो। गेम के ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होने वाले हैं और गेम का साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि सिर्फ 533 MB में ये गेम आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों अब निकल के आ गए अपने लिस्ट का नंबर लास्ट एंड नंबर 10th गेम, जो कि हमारे पास एरा कॉम्बैट। अब ये हाल ही में रिलीज हुआ हुआ गेम है जिसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल नेक्स्ट जेन वाले ग्राफिक्स। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट मोड देखने को मिल जाएंगे जैसे कि PvP मोड, PvE मोड और पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे और नेक्स्ट जेन वाले वेपन्स भी देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ आप लोगों को ये सिर्फ एक FPS गेम नहीं मिल रहा, यहाँ पे आप लोगों को भाई बहुत कुछ मिलने वाला है इसके साथ। गेम आप लोग एक दफ़ा डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा और आप लोगों को इसके फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट में खो जाओगे। गेम का साइज यहाँ पे होने वाला है 437 MB और गेम ऑनलाइन होगा। तो बस ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज की स्टूडियो में मैंने आप लोग को बताए थे। होप है तो आपको ये गेम अच्छे लगे होंगे, लेकिन जाने से पहले ये कहूँगा अगर भी एक गेम हमारे पास पड़ा है जो कि है बोनस गेम आज का। आज की लिस्ट का हमारे पास बोनस गेम है रेड डॉट। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई बैटल रॉयल वाला एक्सपीरियंस 50 प्लेयर्स के साथ, जिनमें से एक आप भी हो गए। तो बिल्कुल वही बैटल रॉयल वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छे ग्राफिक्स हैं तो एक दफ़ा ट्राई तो कर सकती हो। गेम का साइज यहाँ पे 756 MB और गेम ऑनलाइन तो होगा ही भाई। तो बस ये थे वो सारे के सारे गेम्स। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक नहीं किया होगा आप लोगों ने तो जल्दी से कर दो लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी ये गेम शेयर करना और वीडियो शेयर करना है। और बस मेरा नाम है नबील, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, यानी गुड।